देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा संचालित पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के अंतर्गत 10 लाख रुपए की राशि बच्चों के खाते में अंतरित किया। दुर्ग कलेक्टर परिसर में वर्चुअल कार्यक्रम के दौरान पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन के अन्य दस्तावेजों का भी दुर्ग जिले के 19 बच्चों को राशि का वितरण किया, जहां मुख्य अतिथि के रूप में राज्यसभा सांसद सरोज पांडे, अपर कलेक्टर पद्मिनी भोई साहू, महिला बाल विकास के अधिकारी मौजूद रहे। इसमें हितग्राही बच्चों का पासबुक, स्वास्थ्य कार्ड, प्रधानमंत्री का बच्चों के नाम पत्र और प्रमाण पत्र इत्यादि शामिल है। बता दें कि दुर्ग जिले की राज्यसभा सांसद सरोज पांडे और अपर कलेक्टर पद्मिनी बाई द्वारा उक्त दस्तावेज जिले के ऐसे 19 हितग्राही बच्चों को वितरित किए गए, जिन्हें इस योजना के तहत लाभान्वित किया जा रहा है। साथ ही शिक्षा सुविधा के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा बैग, कंपोज बॉक्स, पेन, फाइल और स्नेह पत्र फोटो फ्रेम करवाकर भी दिया गया। इस दौरान देश के प्रधानमंत्री ने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि कोरोना जैसे विपदा में जिन बच्चों ने अपने माता और पिता या फिर अपने अभिभावक को खोया है, उनके लिए चुनौतियों, मुश्किलों को कम करने का प्रयास है पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन। इसके लिए 18 साल या उससे कम उम्र के बच्चों के खाते में 10 लाख रुपए की राशि योजना के तहत डाली गई है। बच्चे इस सहायता राशि को 23 साल की उम्र पहुंचने पर निकाल पाएंगे। इसके अलावा व्यक्तिगत जरूरतों के लिए 18 साल की उम्र पूरी करने पर बच्चों को मासिक वित्तीय सहायता भी मिलेगी। 23 साल तक की उम्र तक इन बच्चों को आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा का लाभ भी मिलेगा। कलेक्टर परिसर में इस वर्चुअल कार्यक्रम में दुर्ग राज्यसभा सांसद सरोज पांडे, अपर कलेक्टर पद्मिनी भोई साहू, महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारी सहित जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। राज्यसभा सांसद सरोज पांडे का कहना है कि पूरे देश भर में आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम केयर्स फंड के द्वारा एक नई शुरुआत की है। वह बच्चे जिन्होंने कोरोना काल में अपने माता पिता को खोया है, उन सभी बच्चों का पढ़ाई लिखाई और वयस्क होने पर उनकी भविष्य की चिंता के लिए 10 लाख रुपए दिया गया। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट।